हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली कंटेंट के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 फरवरी। 20 फरवरी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा अंत तक, की पॉइंट्स आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम भद्राचार्य जी और गुलजार जी को प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 2023 के लिए दो भाषाओं के प्रतिष्ठित लेखकों 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। इसके लिए संस्कृत साहित्यकार जगतगुरु राम भद्राचार्य जी और प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार गुलजार जी को चयनित किया गया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। राम भद्राचार्य जी की अगर हम बात करें तो चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख राम भद्राचार्य एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं। राम भद्राचार्य शिक्षक और 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। राम भद्राचार्य जी का संबंध रामानंद संप्रदाय से है। वे 22 भाषाएं बोलते हैं और संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली समेत कई भाषाओं के रचनाकार हैं। 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं हम गुलजार जी की। गुलजार जी हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार हैं। 2002 में उन्हें उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था गुलजार जी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और 1965 में पहली बार मलयालम कवि जी शंकर पुरुप को जो है उनकी कृति कोडकुलझल के लिए जो है पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार को सिर्फ भारत के नागरिक को ही दिया जाता है और जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा को लिखता हो उन्हें जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वांगदेवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी और इनका उपन्यास जो है प्रथम प्रतिश्रुति है, यानी कि द फर्स्ट प्रॉमिस है, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत जी। इससे क्वेश्चन जो है बनेगा एग्जाम में, तो इसे जो है पूरे तरीके से आप पढ़ लीजिए और जितने भी सारे की पॉइंट्स है आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं वर्ष 2018 में अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार यह पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में कौन सा प्रदेश अग्रणी रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में अग्रणी रहा है। Booking.com ने भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र पर 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 प्रदान करने की घोषणा की है। इसमें भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्रों और शहरों का जो है प्रकाश डाला गया है। हिमाचल प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वहीं केरल का मारारीकुलम सर्वाधिक स्वागत योग्य शहर बना है। भारत में सबसे अधिक स्वागत करने वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जो है हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरला, राजस्थान और उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो द्वारा किया गया है। 17 फरवरी 2024 को इनसेट 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:35 पर जो है लॉन्च किया गया है। यह सैटेलाइट
10 साल तक मौसम की सटीक जानकारी प्रदान करेगा और सैटेलाइट की लॉन्चिंग जो है किस रॉकेट से की गई है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो GSLV F-14 रॉकेट से लॉन्च की गई है इनसेट 3DS को, और इसका जो है उद्देश्य भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 10 साल तक जो है मौसम की सटीक जानकारी प्रदान करेगा। इनसेट की अगर हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, भारत की कम्युनिकेशन टेलीकास्ट मौसम विज्ञान सर्च एंड रेस्क्यू की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसरो ने बनाया है। यह जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की सीरीज है और इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी। इसरो की बात आई है, इसरो की कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में स्थित है। वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथन जी हैं और इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच फिक्सिंग के लिए ICC ने किस क्रिकेटर पर 17.5 वर्ष का जो है प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजवान जावेद का जो है ICC द्वारा 17.5 वर्ष तक के लिए जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूके क्लब क्रिकेटर रिजवान जावेद पर ECB भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के कई उल्लंघनों के कारण क्रिकेट से 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। यह जो है निर्णय अमीरात क्रिकेट बोर्ड यानी कि ECB के प्रतिभागियों के लिए भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के कई उल्लंघनों में उनकी संलिप्तता के मद्देनजर आया है, इन्होंने जो है इसीलिए प्रतिबंध लगाया गया है। रिजवान जावेद पर 2021 में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस देश की प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल पारित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका देश की जो है प्रतिनिधि सभा ने क्वाड बिल पारित किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से क्वाड बिल को भारी बहुमत से पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के बीच सहयोग को बढ़ाना है। निर्देश की अगर हम बात करें, यह एक क्वाड इंट्रा संसदीय कार्य समूह की स्थापना है और क्वाड जो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA की जो है एक संगठन है, और क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। इसका उद्देश्य क्या है? क्वाड का मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जो है समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस ने। ग्रीस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है। वहीं समलैंगिक विवाह को जो है वैध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है ग्रीस। रूढ़िवादी चर्च के विरोध का सामना करने के बावजूद संसदों ने जो है विधेयक पारित कर दिया है। भारत में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता नहीं मिली है और हालांकि समलैंगिक जोड़ों को कई अधिकार जो है दिए गए हैं। और ब्रिटिश काल में IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को जो है अपराध घोषित किया गया था। ग्रीस की बात हम कर रहे हैं तो ग्रीस की कुछ भी जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में ग्रीस, और इसकी राजधानी है एथेंस और राष्ट्रपति है कैथरीना सेकेला रोपुलू और प्रधानमंत्री है केरियाकोस मित्सोटाकिस और जो है मुद्रा है इसका यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना के युद्ध अभ्यास वायुशक्ति की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में की गई है युद्ध अभ्यास वायुशक्ति। 17 फरवरी को भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पोखरण फायरिंग रेंज में वायुसेना के युद्ध अभ्यास वायुशक्ति का आयोजन किया गया है। इसमें राफेल जो है सुखोई समेत 121 लड़ाकू एयरक्राफ्ट जो है शामिल रहे हैं। और इससे पहले 2019 में वायुसेना ने पोखरण में ही युद्ध अभ्यास वायुशक्ति किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम
इंस्पायर कार्यक्रम सिक्के में शुरू किया गया है, इसे किस बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक द्वारा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जो है राज्य में आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना है। सिक्किम के कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसकी राजधानी है गंगटोक और राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग जी और भारत का पहला जैविक राज्य जो है सिक्किम है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनगंगा सिक्किम में स्थित है और यहाँ पे सिक्किम में जो है कंचनगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। सिक्किम जो है भूटान नेपाल चीन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन मित्र योजना जो है हरियाणा में शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वन मित्र योजना और उससे जुड़े पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना है। हरियाणा की कुछ बेसिक जानकारी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है चंडीगढ़ और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं। करंट अफेयर के लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। किस राज्य में जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में किया गया है। तेलंगाना विधानसभा ने राज्य में घर घर जाकर जातिगत सर्वेक्षण करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया है और इसका उद्देश्य क्या है? ओबीसी एससी एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के विकास के लिए जो है विभिन्न योजनाएं तैयार करके लागू किया जाएगा। अब बारी है रिवाइज करने की। फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल द्वारा जो है डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर लाया जाता है और साथ ही पिछले करंट अफेयर को रिवाइज भी किया जाता है और एडिशनल जीके भी तैयारी की जाती है। तो आज का जो है रिवाइज हम देख लेते हैं। अगर आपको इसका आंसर आते जाए तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में NLCIL बरसिंगसर सौर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में रखी गई है। भारत ने अपने ओपन सोर्स DPI को साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया के साथ समझौता किया है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने रुपए की खरीदी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84,560 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। प्रवासी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के बीच विवाह को अनिवार्य रूप से रजिस्टर करने की सिफारिश किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधि आयोग द्वारा की गई है। स्वतंत्रता सेनानी क्यूतिरोध सिंह की प्रतिमा को किस देश में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में स्थापित किया गया है। जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा किया गया है। भारतीय फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग किस स्थान पर पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 117वें स्थान पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने परिवहन उद्योग में किसके उपयोग के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस कंपनी। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक को। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे राज्य के प्रमुख योजनाओं के बारे में। विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान में जो है शुरू की गई है। अबुआ आवास योजना झारखंड में शुरू की गई है और लाडली बहन योजना जो है मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में शुरू की गई है और सबल योजना जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना उड़ीसा में शुरू की गई है और मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना असम में शुरू की गई है। युवा मितान परिवहन योजना
छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। वहीं महतारी वंदन योजना जो है छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो ये थे कुछ राज्यों की प्रमुख योजनाओं के बारे में लिस्ट। और आज का करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।